पूंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड आज 7 महीने के बाद एक बार फिर से वन साइड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है, लेकिन सिर्फ एसेंशियल सर्विस वाली गाड़ियों को ही इस रोड पर चलने की अनुमति दी गई, बाकी कोई भी वाहन इस रोड पर नहीं चलेंगे। इसके अलावा लोगों ने भी आरोप जताया है कि इस मुगल रोड के ओपन होने से उन्हें खतरा है, इसलिए इसको बंद ही रखना चाहिए था। अभी मुगल रोड से मैं आया हूँ, शोपियान से आया हूँ और यहाँ चंदीमढ़ पहुँचा हूँ और मेरे को जम्मू जाना है। तो नीचे वाली रोड में बहुत ही ज़्यादा जाम लगता था, दो दो तीन दिन दिन लगते थे हमें जम्मू पहुँचने में। और ये जो रोड एडमिनिस्ट्रेट ने आज जो खोल दी है रोड, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इस रोड में हमें 5-6 घंटे लगते हैं हमें जम्मू तक। यहाँ तक अभी मेरे को 1:45 बजे से वहाँ से निकला था, अभी शायद 4:15 हो गए, 2-2.5 घंटे में यहाँ तक पहुँच गए हैं और 3 घंटे और लगेंगे तो हम जम्मू पहुँच जाएंगे। इस रोड में बहुत आराम है और वहाँ पर जामिंग बहुत ज़्यादा है उस रोड में, और दो दो दिन लग जाते हैं, दो दो रात, कभी कभी पूरी पूरी रात सीट पर ही बैठना पड़ता। DTI मुगल रोड, कल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये फैसला हुआ है कि मुगल रोड में शुपैया से फुफलियाज की तरफ गाड़ियां चलेंगी। सिर्फ दो कैटेगरी डिसाइड हुई हैं उसमें, ट्रक, लोड कैरियर और खाली टैंकर्स। क्योंकि फ्रूट सीज़न चल रहा है, चेरी वगैरह शुपैया में तैयार हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने यह तय किया है कि जितने भी फ्रूट की गाड़ियां हैं वो वाया मुगल रोड नीचे उतारी जाएंगी टूवर्ड्स जम्मू। लेकिन अपोजिट साइड से कोई भी गाड़ी मोटरसाइकिल तक भी अब कानवाई में नहीं जाएगा, ना कोई ट्रक जाएगा, ना कोई टैंकर जाएगा, ना कोई पैसेंजर गाड़ी जाएगी और ना ही कोई प्राइवेट जाएगी। मैं आपकी विसादत से लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बहुत सी र्यूमर्स चल रही हैं कि मुगल रोड खुल गई है। मुगल रोड सिर्फ कैटेगरिकली खुली है लोड कैरियर्स के लिए, तो लिहाजा मुगल रोड का रुख ना करें और ना ही शुपैया पुलवामा से कोई पैसेंजर गाड़ी डाउन आएगी। सिर्फ और सिर्फ लोड कैरियर्स आएंगे और खाली टैंकर्स आएंगे।